हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ऐसे पांच भूकंपों के बारे में जिन्हें इतिहास के सबसे बड़े भूकंपों में गिना जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर पांच, कामचटक रशिया में आया भूकंप। यहां पर 4 नवंबर 1952 में भूकंप आया था। भूकंप 9 रिक्टर स्केल का था। रिक्टर स्केल वो स्केल है जिसके अकॉर्डिंग भूकंप के ताकत को नापा जाता है, जितनी बड़ी संख्या उतनी तेज भूकंप। तो यहाँ पर आया भूकंप 9 रिक्टर स्केल का था। इस भूकंप की वजह से लगभग 2500 लोग मरे थे और इसकी वजह से एक सुनामी भी आई थी। नंबर चार, सेंडाई जापान में आया भूकंप। यहाँ पर 11 नवंबर 1911 में भूकंप आया था। ये भूकंप 9 रिक्टर स्केल का था। इसमें लगभग 16000 लोगों की मौत हुई थी। इसमें सुनामी भी आई थी। नंबर तीन, सुमात्रा इंडोनेशिया में आया भूकंप। यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया था, जो कि 9.1 रिक्टर स्केल का था। यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक भूकंप के झटके आए थे। लगभग 3 लाख लोग इसमें मारे गए थे। इसकी वजह से भी सुनामी आई थी। नंबर दो, प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में आया भूकंप। यहाँ पर 28 मार्च 1964 में भूकंप आया था, जो कि 9.2 रिक्टर स्केल का था। यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक भूकंप के झटके आए थे और इसकी वजह से भी सुनामी आया था। नंबर एक, वाल्दिविया चिले में आया भूकंप। यहाँ पर 22 मई 1960 में भूकंप आया था। इस भूकंप का रिक्टर स्केल था 9.5। ये अब तक का आया सबसे बड़ा भूकंप था। लगभग 10 मिनट तक भूकंप के झटके आए थे। उस वक्त लगभग 5000 से 7000 लोगों की मौत हुई थी और इसमें भी सुनामी आई थी।